सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। बेवजह यूँ खामोश होकर बैठा है, न जाने कौन सा अफसोस लेकर बैठा है। ख्वाहिशों की पतंग को थोड़ी ढील दे, अपने ख्वाबों के उड़ान को नई मोड़ दे। कुछ यूं मैं सुबह लेकर खड़ा रहा रात की चौखट पर, मानो कलेजे निकाल के रख दिया हो उनकी एक आहट पर। आजकल आवाजों में तो हर किसी की ताकत होती है, आप अपने विचारों को भी थोड़ी ताकत दो। टूटे को बनाना और रूठे को मनाना, जिसे आता है वो खुद में सफल होता है। आज का पंचांग 17 नवंबर 2021 दिन बुधवार, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के त्रयोदशी तिथि, सुबह 9:50 तक रहेगी। इसके उपरांत चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। अश्विनी नामक नक्षत्र रात्रि 10:43 तक रहेगी। इसके उपरांत भरणी नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:11 से 1:33 तक रहेगा। आज का कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है। आज चंद्रमा मेष राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य वृश्चिक राशि पर रहेंगे। वृश्चिक राशि 17 नवंबर 2021 दिन बुधवार, आज आप किसी बड़े सम्मेलन या सेमिनार की मेजबानी कर सकते हैं, लेकिन आपके मनचाहे समय पर स्थान की उपलब्धता के कारण कोई हल्की सी गलतफहमी से आपको शर्मिंदगी महसूस होगी और आपको कार्यक्रम रद्द करना पड़ सकता है। आपको ऐसे समय में शांति बनाए रखनी होगी और सकारात्मक कोशिशें करते रहनी होगी। लाभदायक समय है, किसी भी कार्य तथा मेहनत का उचित परिणाम हासिल होंगे। अगर कोई प्रॉपर्टी संबंधित विवाद चल रहा है उसे सुलझाने का उचित समय है। विद्यार्थियों को भी शिक्षा व करियर से संबंधित समस्याओं से राहत मिलेगी। आपके द्वारा किए गए प्रयास का फल मिल सकता है, खुशी मिलेगी और इस खुशी को परिवार के साथ मना पाएंगे। परिवार के लोगों के साथ मिलकर पार्टी या पिकनिक का आयोजन हो सकता है, इस कारण हर एक व्यक्ति को आनंदित महसूस हो सकता है। अपेक्षा के अनुसार आर्थिक फायदा प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ सकती है। अपेक्षा के अनुसार जीवन साथी मिलने की वजह से खुशियां प्राप्त होगी और परिवार के लोगों को भी प्रसन्नता मिल सकती है। नींद ठीक से ना होने से ऊर्जा की कमी और थोड़ी बेचैनी भी महसूस होगी। सावधानियां, आर्थिक मामलों में काफी सोच समझ कर निर्णय लें। किसी भी प्रकार की भविष्य संबंधित योजनाएं बनाते समय अपने निर्णय को प्राथमिकता दें। दूसरों की बातों में आने से परेशानी आ सकती है। भाइयों के साथ संबंध मधुर बनाकर रखना आपकी जिम्मेदारी है। बात करते हैं लव लाइफ की। पति पत्नी तथा घर के सदस्य एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करेंगे। प्रेम संबंधों में किसी नकारात्मक बात से दूरियां आ सकती हैं। आपको अपने पार्टनर के ही भले के लिए उनसे किसी बात पर कहाशुनी करनी पड़ सकती है। हो सकता है कि उन्हें आपकी बात अच्छी ना लगे, लेकिन आपको उन्हें अपनी बात समझानी होगी। इस बात को बहुत अधिक लंबा ना खींचे, नहीं तो बात बिगड़ भी सकती है। शांति से पेश है शाम को। आपके सुलझे हुए व्यवहार के कारण आपको अपने पार्टनर से और भी अधिक सम्मान मिलेगा। बात करते हैं करियर की। कार्यस्थल पर आपका ध्यान भटक सकता है, जो कि आपकी उत्पादकता को कम कर सकता है। कार्यालय में प्रेम प्रसंग की एक भावना आपको अपने कार्य से दूर ले जा सकती है। हालांकि आपको वापस अपनी एकाग्रता लाने की जरूरत है। ऐसे कोई भी कार्यवाही करने से बचे जो आपके सहयोगियों को परेशान या आक्रामक बनाए। आप ध्यान एक साधारण मोह से भी भंग हो सकता है। आप इस चीज पर ध्यान दें कि जो चीज होनी थी वह होती है और अपना ध्यान कार्य पर केंद्रित करें। कार्य क्षेत्र में आज आपको अपनी काबिलियत प्रदर्शित करने का मौका भी मिलेगा। मार्केटिंग संबंधित कार्यों में कोई बड़ा ऑर्डर भी मिल सकता है,
पेमेंट मिलने संबंधित कार्य अभी सफल नहीं होंगे, धैर्य और संयम बना कर रखें। बात करते हैं सेहत की। आपकी आंखें लेंस की तरह है और लंबे समय तक इनसे काम लेने पर आपको इनकी साफ सफाई भी करनी चाहिए। इसका एक अर्थ यह भी है कि आपको अपने आंखों की जांच करानी चाहिए, क्योंकि कार्ड्स के अनुसार वे भारी महसूस हो रही है। आपकी आंखों में कोई संक्रमण भी हो सकता है जिसका पता शायद आपको अभी ना हो, लेकिन बाद में उसका पता चलने से आप एकदम से चौंक पड़ेंगे। आज का उपाय, आज आप गणेश भगवान जी को दूर्वा चढ़ाएं, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।